हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं मार्केट जैसा कुल्फी प्रीमिक्स। एकदम आसान सी इंग्रेडिएंट के साथ एकदम परफेक्ट कुल्फी घर पर कैसे बनाई जाती है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे भी गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का बहुत मन होता है और अक्सर बच्चे भी जिद करते हैं बाहर की आइसक्रीम और कुल्फी को देख कर खाने की, लेकिन क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होते हैं तो क्यों ना इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर रखें और जब भी बच्चे जिद करें तो इंस्टेंटली इस कुल्फी को बनाएं। सामग्री भी हमें बहुत ही सिंपल सी चाहिए। बिना मावा के ये जो कुल्फी बनती है बहुत ही डिलीशियस बनती है, मावा जैसी टेस्ट भी इसमें होती है और इंग्रेडिएंट भी हमारे घर में आसानी से अवेलेबल हो, ऐसे ही इंग्रेडिएंट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप इस कुल्फी प्रीमिक्स को ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए 2 कप हमने मिल्क पाउडर ली है, 1 कप पाउडर चीनी, 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है, 1 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर ली है। अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सैफ्रॉन, इससे थोड़ा बढ़िया सा कलर भी आएगा। देन ड्राई फ्रूट में हमने बारीक चॉप किए हुए पिस्ते लिए हैं, चॉप किए हुए लिए हैं हमने बादाम और काजू, थोड़े से हमें कार्डमम चाहिए बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए, और बस 4 स्लाइस चाहिए हमें ब्रेड के। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ब्रेड हमने यहाँ पर लिए हैं इसके साइड एजेस हैं, मतलब जो ब्राउन वाले इसके एजेस हैं, इसे निकाल देते हैं, इसे हमें रिमूव करना है। तो अब हम इसे टुकड़ों में काट लेते हैं क्योंकि हमें इसे मिक्सी में एकदम फाइन पाउडर में पीसना है। तो चलिए ब्रेड्स के इन टुकड़ों को डाल देते हैं मिक्सी जार में और अब मैं इसका बनाऊँगी फाइन पाउडर। तो लीजिए दोस्तों, हमने ब्रेड को एकदम फाइन पाउडर में पीस लिया है। अब हमें इसे हल्का सा भूनना है, तो गैस फ्लेम जो है बिल्कुल हमें लो पर रखनी है और कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट के अंदर हम इस पाउडर को भूनकर तैयार करेंगे। इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि सूजी होती है, मतलब इसका हमें मॉइस्चर ख़त्म करना है। सो लीजिए, हमारा ब्रेड का पाउडर भूनकर तैयार है, मतलब ब्रेड क्रम्स ही हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में, इसे निकाल लेते हैं एक थाली के अंदर और अब हमें इसी कढ़ाई में तैयार करना है कैरमल। तो चीनी डाल देते हैं गरम गरम कढ़ाई में, गैस फ्लेम हमें एकदम स्लो पर रखनी है और इस तरह से चीनी को फैलाकर डालेंगे और अब धीरे धीरे चीनी जो है मेल्ट होने लग जाएगी। चलिए तब तक दूसरा और एक काम कर लेते हैं, एक थाली ली है मैंने यहाँ पर, इसे हमें घी के साथ ग्रीस करना है। हल्के हल्के इसे चलाएंगे और बस कुछ ही समय में आप देख पाएंगे कि चीनी का जो कैरमल है वो तैयार हो गया है। एक बूंद भी पानी का हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखें। सो कैरमल यहाँ पर बनकर तैयार है। अब गैस मैंने बंद कर दिया है और इसे निकाल लेते हैं ग्रीस की हुई थाली में और अब हमें थोड़ा सा वेट करना है इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। तो थाली में फैला कर इसे डाल देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आप देख पाएंगे बिल्कुल कांच जैसा ये हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट, और देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं क्योंकि हम इसे पीसेंगे मिक्सी जार में एकदम फाइन पाउडर में। देखिए ये जो कैरमल होता है एकदम कांच जैसा होता है और हाथों से ब्रेक करते समय हो सकता है हाथों को भी लग जाए। तो अब मैं इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लेती हूँ और बाद में मैं इसे थोड़ा सा खलबत्ते के अंदर भी कूट लूँगी और उसके बाद में इसका फाइन पाउडर बनाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े अगर मिक्सी में ऐड करें तो हो सकता है मिक्सी का जो ब्लेड है वो टूट जाए। जब इसके पाउडर तैयार होंगी तो ऑब्वियसली अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस प्रीमिक्स में हमें डायरेक्टली चीनी का यूज़ नहीं करना है, चीनी को कैरमलाइज कर उसकी जो पाउडर बनेगी उसी का यूज़ हम कुल्फी प्रीमिक्स में करेंगे। तो देखिए इसे हल्का सा कूट लेती हूँ, बाद में इसकी पाउडर भी बना लेंगे। दोस्तों इस प्रीमिक्स के साथ हम कुल्फी तो बना सकते ही हैं, साथ ही साथ अगर आपको रबड़ी भी बनानी हो तो इंस्टेंटली इस प्रीमिक्स का यूज़ करके आप रबड़ी भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो थोड़े से कार्डमम मैं इसमें अभी डाल देती हूँ और साथ में इसे भी पीसेंगे। इलायची के दाने के साथ साथ अब हम इस कैरमलाइज चीनी को मिक्सी में पीसेंगे एकदम फाइन पाउडर में, बिल्कुल इस तरह से। देखिए इस वजह से हमारी जो कुल्फी है टेस्ट में और भी बढ़िया लगेगी।
तो चलिए अब हम तैयार करते हैं प्रीमिक्स, क्योंकि पहली सारी तैयारी अब हमने कर ली है। एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है मैंने, इसमें डाल देती हूँ पिसी हुई कैरमलाइज चीनी। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 कप मिल्क पाउडर, 1 कप चीनी ली थी हमने। देन जो ब्रेड क्रम्स हमने यहाँ पर बनाकर रखा है उसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लोर। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। इलायची मैंने चीनी के साथ ही पीस ली थी इसलिए अब फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो इस स्टेज पर आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को कुल्फी बनाने के समय भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी से ऐड कर रही हूँ ताकि टाइम पर झंझट ना हो और बस इसे दूध के साथ मिलाकर हम कुल्फी को आसानी से तैयार कर सकें। लास्ट वाला इंग्रेडिएंट भी अब हम इसमें ऐड करते हैं, वो है सैफ्रॉन यानी कि केसर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें वरना इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। अब अच्छी तरह से पूरा ये जो मिश्रण है मिक्सअप करने के बाद 1 कप भर के मैं इस मिश्रण को निकाल लेती हूँ, मतलब इस प्रीमिक्स को निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुल्फी बनाना भी सिखाऊंगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन पूरी प्रोसीजर अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए अब बाकी का बचा हुआ प्रीमिक्स एक कंटेनर में भरकर हम इसे फ्रिज में करीबन 2 महीनों तक रखकर स्टोर कर सकते हैं और जब जी चाहे इंस्टेंटली इस कुल्फी को बना सकते हैं। तो चलिए 1 कप जो हमने प्रीमिक्स निकाला था उसे एक पैन में निकाल लेते हैं। साथ ही साथ 1 कप प्रीमिक्स के लिए हमें चाहिए 2 कप मिल्क यानी कि आधा लीटर मिल्क। रूम टेम्परेचर वाला मिल्क लिया है मैंने, अच्छी तरह से प्रीमिक्स के साथ इसे मिक्स करेंगे और अब हमें इसे उबालना है तब तक जब तक कि इस मिश्रण को अच्छा सा गाढ़ा टेक्सचर ना आ जाए। चलिए अब इसे कुक होने के लिए रखते हैं गैस पर। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको पूरा देखना है। और वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको इस प्यारी सी रेसिपी के लिए करना है एक लाइक, शेयर, कमेंट। साथ ही साथ इस तरह की प्यारी प्यारी रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम गाढ़ा हो गया है मिश्रण, इसे अब हमें रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और ठंडा हो जाने के बाद में अब हम इसे कुल्फी मोल्ड में फिलअप करेंगे। तो मेरे पास इस तरह के एल्युमिनियम के कुल्फी मोल्ड हैं, अगर आपके पास इस तरह के नहीं हैं तो प्लास्टिक वाले जो आते हैं आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाले हैं। गोल वाले भी मोल्ड होते हैं, अगर उसमें भी जमाना चाहें, मतलब आप डिस्पोजल ग्लास में भी इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम फिलअप करते हैं इन मोल्ड्स को इस कुल्फी प्रीमिक्स के मिश्रण के साथ। ये जो मोल्ड होते हैं आसानी से खड़े नहीं रहते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए मैंने इसके नीचे कांच के ग्लासेस रखे हैं। और अब इसे फिलअप करने के बाद करीबन 7 से 8 घंटों तक हमें इस कुल्फी को जमने तक वेट करना है। तो है ना आसान इस इंस्टेंट कुल्फी को बनाना, एक बार प्रीमिक्स को घर पर बनाकर रखिए, 2 महीनों तक आप इसे जब जी चाहे तब इस कुल्फी को बना सकते हैं और ठंडी ठंडी कुल्फी का मज़ा ले सकते हैं इन गर्मियों के दिनों में। अब सिल्वर फॉइल का यूज़ करके हम इसे इस तरह से कवर कर देते हैं। एक रबर बैंड भी मैं इसको लगा देती हूँ ताकि ये जो कवर है इसके ऊपर अच्छे से फिट हो पाए। फिर हम नाइफ से बीच में थोड़ा सा छेद करेंगे और ये आइसक्रीम स्टिक से मेरे पास इसे मैं अंदर इंसर्ट कर देती हूँ ताकि जो कुल्फी है आसानी से रिमूव हो जाए। बिना प्रिजर्वेटिव का यूज़ किए हमने इस कुल्फी प्रीमिक्स को बनाया है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट का होता है और टेस्ट भी इतना ऑसम है। आप इसे जब ट्राई करेंगे तो खुद होके मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही आसान और एकदम यमी यमी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। अब इसे रख देते हैं फ्रिज में और बस 7-8 घंटों बाद आप देख पाएंगे कि हमारी जो कुल्फी है जमकर तैयार है खाने के लिए। इसे मैं आपको डिमोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। तो इसे डिमोल्ड करने से पहले हम नॉर्मल वाटर में इसे एक बार डिप करेंगे ताकि आसानी से कुल्फी निकल कर आ जाए। हाथों पर भी हम इसे थोड़ा सा इस तरह से रब करेंगे और लीजिए यमी यमी डिलीशियस बिना मावे की मामा कुल्फी यहाँ पर हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है।
नज़दीक से भी मैं आपको इसे दिखाऊंगी। तो होममेड कुल्फी प्रीमिक्स की रेसिपी को ट्राई करके आप भी ठंडी ठंडी इस इंस्टेंट कुल्फी को बनाकर गर्मियों का मज़ा लीजिए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।